हेलो माय लवली लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे होंगे क्योंकि इतने टाइम बाद, हाँ जी, मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट ही इसी से हुई थी। हाँ जी, मैं स्टाइल टिप्स पे वीडियो क्रिएट किया करती थी, स्टाइल पे, फैशन पे। हाँ जी, आपको अगर पता होगा कि मेरी सबसे पहली वीडियो भी इसी पे आई थी और काफ़ी टाइम तक मैं इसी पे वीडियो बनाती रही। उसके बाद मैं हॉल पे आई हूँ और मेरे लिए स्टाइल, फैशन, ये सब मेडिसिन और थेरेपी के तरह है। हाँ जी, तरह है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसे क्रिएट करने में, और अगर आप प्यार दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट 8 to 10 कलर कॉम्बिनेशन वर्कवेयर के लिए, जो आप पे बहुत प्यारे लगेंगे, एकदम फ्रेश है, नए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। और ऑफिस जाओगे तो ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बहुत प्यारे, बहुत यूनिक होने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन से, जो कि होने वाला है पाउडर ब्लू विथ ब्राउन। अच्छा, ब्राउन में काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं या कलर ऑप्शंस होते हैं, लाइक टैन और ब्राउन ब्राउन। तो मैंने ये वाला पहना, और मेरे फुटवेयर को भी ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस आउटफिट के साथ कौन सा फुटवेयर ऑप्ट किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट पूरे अटायर में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस ब्लैक के साथ ब्राउन। ये क्वाइट कॉमन है, बट अभी भी लोग इतना ऑप्ट नहीं करते हैं। उसके साथ मैंने ब्लैक पॉइंटेड टू हील्स पहनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। और अच्छा देख सकते हो, इस प्लेन आउटफिट में जान डाल सकता है अगर आप शर्ट के साथ थोड़ा प्ले करो। जैसे ये मैंने कीबोर्ड शर्ट पहनी है, तो कितना क्यूट लुक लग रहा है। ठीक है, आप इसके साथ, मैंने स्ट्रेट फिट पैंट पहनी है, आप चाहो तो सिगरेट पैंट पहन सकते हो। ठीक है, फिटेड पैंट पहन सकते हो। अगला कॉम्बिनेशन है व्हाइट विद ब्राउन, इसके साथ भी मैंने ट्रांसपेरेंट हील पहनी है। अगर आपके पास व्हाइट कलर की हील्स हैं तो आप वो कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा वो भी। ठीक है, और इस पे भी आप देख सकते हो मैंने सॉलिड रखा है, पर मैंने शर्ट में प्ले किया हुआ है क्योंकि ये एक टर्टल नेक, और स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग है, और उससे ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। अगला कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है व्हाइट विथ पाउडर ब्लू कलर। ब्लू कलर तो बहुत कॉमन है, पर पाउडर ब्लू कलर आपने रेयर ही किसी को कैरी करते हुए देखा होगा, और देख सकते हो कितना प्यारा लगा। और इसके साथ मैंने टैन कलर के लोफर्स इसलिए कैरी किए हैं क्योंकि थोड़ा सा पॉपअप कलर होके आना चाहिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला होने वाला है पाउडर ब्लू विथ ब्लैक कलर। ये भी उतना ही प्यारा लग रहा है जितना इससे पहले वाला लग रहा था। ठीक है, बस इसमें मैंने हील्स को कैरी किया हुआ है, ब्लैक हील्स को। और वो क्यों? क्योंकि आप ध्यान देना, जब भी आप टॉप वेयर करो तो कोशिश करो, अगर आपके पास हो सके तो बॉटम, अपना फुटवेयर उसी कलर का लो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस लाइट ऑलिव ग्रीन कलर विथ ग्रे। अच्छा, जब मैंने स्टाइल किया था उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये कलर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा वर्सेटाइल लग रहा है, आप भी देख सकते हो। अगला है ब्लू प्लस स्काई ब्लू विथ ग्रे कलर। अच्छा, मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादातर फॉरेन में देखा हुआ है, अभी मैंने इंडियन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं देखा है, पर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है विथ टैन लोफर शू के साथ। अगली बात करते हैं, ये होने वाला है रेड चेक शर्ट के साथ ग्रे कलर। यहाँ पे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, अगर आपके पास ग्रे कलर की भी पॉइंटेड टू हील्स हो ना तो वो भी अच्छा लगेगा, और अगर रेड कलर की भी हो तो वो भी उतनी अच्छी लगेगी। अगला कलर कॉम्बिनेशन है ऑलिव ग्रीन के साथ बेज कलर का, और इसके साथ मैंने ट्रांसपेरेंट हील्स पहनी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास बेज कलर की हील्स हैं, ठीक है, या फिर ऑलिव ग्रीन कलर की हील्स मिल जाए आपको, तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, जो कि मैंने शूट करना लग रहा है मेरे से रह गया था, वो है ब्लैक विद बेज कलर एंड पॉइंटेड टू हील्स, बहुत प्यारा है। ये वीडियो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा अगर आपको मेरे स्टाइलिंग टिप्स अच्छे लगते हैं या स्टाइल टिप्स, फैशन वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इसे खूब सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करवाइए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करवा लीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगली बार मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लव लव, बाय।